पूरी जनता से एक ही प्रार्थना है कि दर्द का एक ही दवा है, मंजिल तक मत पहुंचने दीजिएगा। हम दुखी नहीं है कि मेरा टिकट काटा गया, दुखी हम इस बात के हैं कि घोसी की जनता का अपमान किया गया और मधुबन की जनता का भी अपमान किया गया। और अपमान सबसे बड़ी चीज हुआ करता है, मैं आज तो कुछ नहीं कर सकता, मैं इसीलिए आप लोगों को आमंत्रित किया कि इस परिस्थिति में जहां इतना घोर अपमान हुआ हो हमको क्या करना चाहिए, हमको किस रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अब तो आने वाली पीढ़ी चाहे लोग ही अब इसके जिम्मेदार होंगे। बहुत होता तो एक बार और मैं चुनाव कर देता, उसे स्टेमिना बनी रहती है, आए चाहे जीते, युद्ध के मैदान तक नहीं जाने दिया गया। क्यों समझ में हमको नहीं आता, किसी निष्ठावान विधानसभा के कार्यकर्ता को गरीब भले होता उसको दे दिया गया होता, क्या होता कि उसको जिताओ या वफादार साथी। आज जहां वफादारी 1% भी ना हो उसको जाकर के हमारे सर पर बैठा दिया जाए, आप ही बताइए हम कैसे उसको जीत सकते, कैसे जीत सकते। तो आज के बाद भी मरुप्राण तक मैं यह नींव का पेड़ तो नहीं छोड़ सकता, जितना सामर्थ रहेगा, जितना सामर्थ रहेगा उतनी आपकी सेवा जब तक जिंदा हूं तब तक करूंगा। ना रहने के लिए मैंने बताया दिया कि सुजीत सिंह को मैंने इसीलिए राज मैं इनको अवसर बना सकता था, लेकिन इसीलिए मैंने राजनीति में उतारा कि जन सेवा से बड़ा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होगा। जन सेवा करेंगे, जनता के लिए दो फाल चलेंगे, नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, इसीलिए मैंने उतारा। तो घोसी के भाइयों, मधुबनी के भाइयों, यदि आपको लग रहा हो कि सचमुच अन्याय हुआ है, एक बार चौधरी चरण सिंह हम लोगों के नेता थे, एक गांजा बेचने वाले को टिकट मिल गया, और जब मंच पर भाषण करने आए तो एक मित्र ने कहा कि साहब गांजा बेचता है, कहा क्या करता है, कहा गांजा बेचता है, कहा रुको 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 एक बात सुन लो, मेरे हाथ से जाने अनजाने किसी गलत इंसान को टिकट मिल जाए तो तुम्हारा पुनीत कर्तव्य होता है कि उसकी जमानत जब्त करा देना। यह वाक्य हमारे नेता के थे चौधरी चरण सिंह के, इसलिए बहुत दूर देर से आप बैठे हैं, बहुत लंबा समय हो गया है, इतना आपने एक आह्वान पर आपने समय दिया, मैं आपका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जितने लोग आए हैं रामोपार राय से लेकर के दशहरा से लेकर के हरिहर श्याम जो सारे लोग पूरी जनता ये हमारे गढ़पोली के प्रधान के सामने बैठे हुए हैं, ससुरपुर के प्रधान सभा मेरा सबसे हाथ जोड़ के पूरी जनता से एक ही प्रार्थना है कि दर्द का एक ही दवा है कि जिस यहां से दर्द मिला है उनके मंजिल तक मत पहुंचने दीजिएगा।
तकलीफ एक सबसे बड़ी चीज एक बात की और है, माननीय अखिलेश जी से भी मैंने कहा था एक बार बस में बैठ के, ये श्मशान घाट तक का वादा है, हमारी चिता जो है इसी पार्टी में, और यही हमारे मुलायम सिंह, चरण सिंह और अखिलेश के नेतृत्व में जलेगी आखिर मेरी यही ख्वाहिश। लेकिन लगता ऐसा है कि जो हमने संकल्प लिया था प्लस करके उस संकल्प को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।